एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से नूह जिले में भारी परेशानियां रही। जिले में 24 से 20 डिलीवरी हट बंद रही। वहीं अपनी मांगों को लेकर जिले के 518 एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर बने रहे। जिले के सभी कर्मचारी नगीना स्थित अलाफिया मांडीखेड़ा में इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनवरी में भी बैठे थे इस चीज़ के लिए, बायलॉज तो बन गए हैं लेकिन वो आधे अधूरे लटके हुए हैं। अभी किसी की फाइल कंप्लीट नहीं हुई, सैलरी नहीं मिली 6-6 महीने से, बल्कि 9-9 महीने हो गए अभी तक कोई तनख्वाह नहीं मिली हमें। ना हमारी टाइम पे तनख्वाह डलती है, ना 7th pay commission का वादा किया था सरकार ने, वो वादा खिलाफी की है, ना वो लागू किया अभी तक। और रेगुलाइजेशन के लिए भी हम लड़ रहे हैं, रेगुलर करने के लिए भी हमें रेगुलर करो, रेगुलर नहीं कर सकते तो सेवा नियम लागू करो, हमारे सेवा नियम लागू नहीं हो रहे, जिसके लिए सरकार ने वादा किया हुआ था और अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए जब हमारा कोई स्टॉक नहीं है हड़ताल करना, ये मजबूरी है हमारी। पहले हमने सरकार से पहले भी बातचीत हुई थी 2018 जनवरी में, तो उन्होंने कहा था कि हम 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन अब तक कोई भी कुछ नहीं किया गया, तब मजबूरी में हड़ताल पर गए हैं। और अभी तो 2 दिन की हड़ताल है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो इस हड़ताल को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल का रूप दे देंगे। और कर्मचारियों ने चेतावनी भरे हुए स्वर में कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे हड़ताल पर बने रहेंगे। मेवात से यूनिस अलवी की खास रिपोर्ट। पिछले 3 साल से लगातार हम हर साल हड़ताल कर रहे हैं। पिछले साल हमारी कुछ मांगे मान ली गई थी लेकिन आधी अधूरी थी। उसमें हमें सबसे मुख्य मांग हमारी सेवा सुरक्षा प्रदान करने की थी लेकिन हमें सेवा सुरक्षा नहीं दी गई। आज ही हमारा वही है कि 1 साल बाद हमको कभी भी हटा सकते हैं, पूरी पावर मेरे पास हटाने की, हमारे पास कोई सेवा सुरक्षा नहीं है, मेन बात तो हमारी है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हमारे बायलाज तो बना दिए सरकार ने लेकिन अभी तक हमें 7th वेतन आयोग नहीं दिया। और तीसरी बात यह है कि हमारी कर्मचारी हमारे बीच में हमारे साथ काम करने वाले आधे कर्मचारी को उन्होंने छोड़ दिया। हम ये चाहते हैं कि सभी कर्मचारियों को एनएचएम बायलाज के अंदर शामिल किया जाए। तो मेवात में कितने कर्मचारी हैं ये? मेवात में लगभग 550 क्या क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? मेवात में लगभग 550 कर्मचारी हैं और उनके अंदर कम से कम 50 कर्मचारी को हमारे जिले से छोड़ दिया गया है। और ऐसे कुल में हजारों कर्मचारी हैं जो पूरे हरियाणा से, जिनको बायलाज का सेवा नहीं। देश विदेश की, राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।